嗯、uh。Huh. Yeah. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان अवल ये कि परवरदगार की, की बारगाह में शुक्र है कि उसने एक बार और तौफीक दी कि उसका महीना जिसे शहरुल्लाह अल्लाह का महीना और अल्लाह की ज़ियाफ़त का महीना कहा जाता है उसमें हम दाखिल हो सकें और इस कुरानी दुआ के साथ दाखिल हो होंगे परवरदगारा हमें रब़़िल मतखला व नी मखरजा सिति परदगारा हमें दाखिल कर सच्चाई के साथ और इसे कामिल करने और इसे निकलने की तौफ़ीक दे सच्चाई के साथ यानि यह कि इस महीने को हम दर कर सकें अल्लाह के इस अज़ीम महीने को जो रहमतों का महीना है और बरक़तों का महीना है ख़ास अल्लाह के बंदों के लिए एक खसूसियत हासिल है इस महीने को एक तरफ़ शहरुल्लाह कहा गया है अल्लाह का महीना दूसरी तरफ इसको अल्लाह के बंदों का महीना कहा गया है क्योंकि ये अब्दमाबूद के दरमियान में राबते के लिए बहुत ही ख़ास महीना है इसमें बहुत सारे जो अमाल हैं और बहुत सारे आदाब हैं उनमें से एक अमल जो है वो रोज़ा है जो तोफ़ी होती है इसमें रखने की लेकिन इसके साथ साथ दुआएं इबादत और जो भी खैर खैरत इंसान कर सकता है वो सब माह रमज़ान में हर अमल का वज़न बढ़ जाता है हर अमल की कीमत बढ़ जाती है अतः रवायात में यह है कि इस महीने में एक आयत कुरान पढ़ना ये पूरे कुरान के ख़त्म करने के बराबर होता है या इस महीने में सांस लेना इस महीने में सोना नोमकुम्फ़ी है इबादा इसमें सोना भी इंसान का इबादत हो जाता है सांस लेना जो है वो तस्बीह का मकाम हासिल कर लेती है यानी सांस अगर इंसान लेता है तो इस तरह इस महीने को ख़ासियत दी गई है और पेमरिकम सल्ला वसलम की रवायत में यह फरमाया गया कि, कि हदीस कुत्सी के तौर पर कि असा मौली पर वर्दगार यह फरमाता है कि जिससे आकर जबरील ने रसोल्ला से फरमाया किल्ला ने फरमाया कि असम वाना अजे रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा दूँगा यानी इसकी बहुत ही ख़ास जजा और बाज़ रवायात में इसी रवायत को अगर एराब में थोड़ा तब्दीली करके पढ़ा जाए चूँकि पहले ज़माने में एरब नहीं हुआ करता था ज़बर तेर कलम नहीं हुआ करते थे कलमत पर अगर ये कहा जाए कि अन्ाउजी बे तो नकैल जवादी आमली हफ्त ला फरमाते हैं कि जिसके मानी हो जाएंगे उसकी जजा मैं खुद ही हूँ यानी यह कि अल्लाह का ये ख़ास महीना है इस महीने के आमाल उन आमाल में एक अमल रोज़ा कि वो अमल ऐसा है यानी चूँकि इंसान इस अमल में बहुत ही ज़्यादा अखलास होता है ख़ास कर भी इस साल का जो रोज़ा या चंद सालों से जो है और रहेगा चंद साल तक ये गर्मियों का रोज़ा ये बहरहाल एक मुखलिस इंसान अल्लाह की बारगाह में सारे दिन अपने आप को भूखा और प्यासा रखता है और भूख प्यास हद अक़ल रोज़े का मरतबा है और ना इसके जो दर्जा दीगर हैं रोज़े में न सिर्फ कि अपने आप को खाने और पीने से रोकना बल्कि हर तरह के ऐब गुना नख्स बुराइयों से अपने आप को रोकना इसके नतीजे में इस अमल का दर्जा बुलंद हो जाता है और इस अमल के साथ साथ जो दीगर आमाल भी इंसान अंजाम देता है देते हैं वो उसका भी मकाम और उसका भी उसकी भी कीमत बुलंद हो जाती है तो ये बड़ी तोफी होती है कि इंसान बोलिए कि माह रमजान उसे नसीब हो माह रमज़ान में पहुँचे लेकिन उससे भी बड़ी तोफी ये है कि माह रमजान तक आने के बाद फिर उसे दर कर सके और उससे अपनी रूह को बुलंद कर सके उसका हकीकी जो फ़लसफ़ा है रोज़े का जो कुरान बयान करता है या यूल्लुद्दीन आमु कुतब आलकुम सियामकुमातब आल्ल्दीन अमिन क़बल कम लगुम तकून एमोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े को वाजिब करार दिया उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारे पहले दूसरी कौमों पर भी उम्मतों पर जो अला दीन था उसमें रोज़े को वाजिब करार दिया गया था ताकि शायद तुम्हें तकवा हासिल हो जाए शायद भी शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि लाजिम नहीं कि इंसान जो है रोज़ा रखे और हतमन उसके तकवे तक और उसके फ़लसफ़े तक पहुँच जाए क्योंकि मुमकिन है कि रोज़े के दर्जात में कभी इंसान ऐसे ऐसे अमाल अंजाम दे या दिखावा हो दीगर आमाल हो जिसकी बुनियाद पर इंसान वो मकाम हासिल ना कर सके लिहाजा इसमें दर्जात हैं जितना ज़्यादा इंसान सही आदाब और सही रास के साथ रोज़े को रखता है उतनी ज़्यादा इसका दर्जा बुलंद होता जाता है और उतनी ज़्यादा वो रोज़े के फलसफ़े से करीब होता चला जाता है और वो इलाही फलसफ़ा उसे हासिल होता है यानी तकवा तकवा जो इंसान का एक इंसान को इंसान की रूह को इंसान के दीन को इंसान के आमाल को इंसान की दुनिया को इंसान की आख़रत को ये सब महफूज रखता है क्योंकि तकवा जो है दीन का एक हिफाजती निज़ाम है तकबा दीन का एक दिफाई निज़ाम है जो हर तरह के ख़तरा से हर तरह के खतरात को दफ़ करे हर तरह के खतरात को दूर करे इंसान से और इंसान को महफूज रखे इस पर गुफग तकबा पर अभी फ़िलहाल इसका मौका नहीं है बार अवकात में की जा चुकी है और हमारे बुज़ुर्गान ने दीरमा ने बहुत ज़्यादा इस मौजू पर गुफ्तगु की है फिलहाल अभी जो है इस साल का रोज़ा इस साल का माह रमजान एक ख़ास माह रमज़ान है एक 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 ख़ास उसका पहलू ये मौजूद है कि जो शायद तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि इस तरह से माह रमज़ान आया हो और खुदा करे कि ये माह रमज़ान इस तरह आखिर तक ना हो बल्कि ये हालत तब्दील हो और वो हालत ये है कि तारीख़ में जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि तारीख में कभी ऐसा नहीं आया है कि पूरी दुनिया में इस तरीके से एक बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा असर हो कि लोग ममिन माह रमज़ान में जहाँ किसी भी फुर्सत से कभी फुर्सत नहीं होती थी नहीं, नहीं नहीं मिल पाते थे एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते थे लेकिन माह रमज़ान में एक दूसरे से करीब आते थे एक दूसरे से मिलते थे और उस पाकिजगी के साथ रोज़े की हालत में लेकिन बहुत ही अफसोसनाक है कि बहरहाल अभी हम उस दौर से गुज़र रहे हैं और ख़ास कर इस साल का ये 2020 का ये माह रमज़ान ऐसा है कि जहाँ पर एक बहुत ही छोटे से वायरस के ज़रिए से दुनिया इस तरह लॉकडाउन का शिकार हो गई है और ना सिर्फ किसी एक शहर में या दो चार शहर में या दो चार बस्ती में या दो चार मुल्क में बल्कि तकरीबन एक सौ पचासी छियासी मुल्क यूँ कहा जाए कि पूरी दुनिया शायद दो तीन मुल्कों को छोड़कर दो तीन छोटे मुल्कों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में जो असर है एक वायरस का उसने आकर इंसान को बहुत ही महदूद कर दिया और जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि माह रमजान से पहले पहले इंसान को निजात मिल जाएगी लेकिन जो भी हो बहुत सारी लापरवाहियाँ बहुत सारी ये कहा जाए कि नाकबत अंदेशियाँ और मसाइल को सही तरीके से ना समझ पाना गलत फ़ैसले गलत तरीक़े लापरवाहियाँ आवाम की तरफ़ से कभी कभी लापरवायाँ ये सारी चीज़ें 22 बनी कि बहरहाल हम माह रमजान में भी महरूम रहे मस्जिदों से महरूम हैं और ये उस तरह की इबादत से महरूम हैं। एक तरफ से इसका ये रुख है लेकिन दूसरी तरफ से दूसरा रुख भी है जिसकी तरफ थोड़ा इशारा किया जाएगा आज ये गुफ्तु का अगर पहला दिन है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इस मसले पर जो चूँबाज़ मसाइल पेश आ रहे हैं लिहाजा उसकी तरफ थोड़ा रोशनी डाल दी जाए पहली बात तो ये है कि इंसान को इस दौर में थोड़ा सा मुतवजह होने की ज़रूरत है जिस तरह जिस जिस जिन हालात से इंसान गुज़र रहा था और जिन चीज़ों में इंसान ने अपने आप को असीर कर रखा था वहाँ पर एक मरतबा शायद इंसान को मतवह किया गया है एक मरतबा एक झटका दिया गया है एक आ, मतवजह तो करने की ये कैफियत है यानी इसको दो पहलू से देखे इंसान एक तरफ ये कि ये एक तरह का अजाब हो सकता है एक तरह की आजमाइश हो सकती है चूँकि इस तरह से नहीं हुआ तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ ठीक है तारीख़ में इससे पहले भी और भी दूसरे इस तरह के वायरस और बीमारियाँ आई हैं लेकिन बहरहाल इतना वसी दायरा नहीं था आलमी तौर पर भी हुआ है जैसे चौदह सदी हिजरी में बहुत बड़ी तबाही हुई थी पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में इसी तरीके से उन्नीस से लेकर उन्नीस तक जो है ए, स्पेनिश फ्लू के ज़रिए से बहुत ज़्यादा जाने गई थी और बहुत ही तबाहियाँ आई थी और उसके बाद फिर दीगर और भी बीमारियाँ इस तरह की आती रहीं गुजा चंद सालों में बीस पच्चीस सालों के दरमियान में दूसरे वायरस भी आते रहे लेकिन भैर किसी भी वायरस का दायरा इतना वसी नहीं था तबाहियाँ अलबा बाज़ वायरस में बहुत ज़्यादा हुई हैं जैसे स्पेनिश फ्लू में या चौदह सदी में जो यूरोप में तबाही आई थी तकरीबन पूरे यूरोप के कुछ आ शायद पचास से साठ परसेंट आबादी ख़त्म हो गई थी उस जमाने में या स्पेनिश फ्लू में बताते हैं कि पाँच करोड़ से दस करोड़ तक की तादाद बताई जाती है बहुत ज़्यादा अफराद मारे गए थे लेकिन वसत शायद इतनी नहीं थी उसमें भी जितनी वसत अभी इस बीमारी में है इसने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है दो तीन मुल्क बचे हैं खुदा करे कि बचे रहें और दूसरे मुल्क जल्दी से जल्दी महफूज हो जाएँ लेकिन शायद जिस तरह से दुनिया में ये फैला है मरस शायद कोई भी मुल्क ना बचे और इसकी चपेट में आए तो एक तरफ ये चीज़ जो है वो इंसान के लिए सख्त है वाकई सख्त है जो जाने जा रही हैं जो लोग मरीज़ हो रहे हैं अभी तकरीबन छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस लाख तक ये तादाद पहुंच चुकी है मरने वालों की तादाद तकरीबन अब दो लाख तक पहुँचने वाली है ये बहुत बड़ी तादाद है और अभी नहीं मालूम कि खुदा न खास्ता ये तादाद कितनी और ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन इस पहलू को जो बहुत ही अफसोसनाक पहलू है और वाक़ा जहाँ पर लोगों की जाने जा रही हैं जहाँ पर लोग मरीज़ हैं जहाँ परेशानियाँ हो रही हैं उनके लिए हर इंसान को जिसके दिल में इंसानियत है इंसानियत का दर्द है उसको इस बात का सदमा होता है और ख़ास कर उनके लिए कि जो मरीज़ नहीं है लेकिन दीगर परेशानियों मुबतला हैं मसलन उनके काम बंद होने की वजह से दिगर उमूर के ठप हो जाने की वजह से इम्कान की कमी होने की वजह से बहुत सारी आबादियाँ जिनके लिए खाने के लिए नहीं है पीने के लिए नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है तो ये सब पहलू बहुत ही अफसोसनाक पहलू हैं लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि, कि अगर इस अमल के जरिए से इंसान मतव्य होता है ये अमल पूरी इंसानियत को मतव करे शायद ये बहुत अच्छा मौका है और दूसरी ये कि बहरहाल माह रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें कम से कम तमाम उमत मुसलमा को और बहरहाल माह रमजान का एहतराम दीगर उमतों में है शायद उसकी तरफ इशारा किया जाए कि दीगर उमतें भी इसका बहरहाल अहतराम करती हैं दीगर कौमें भी माह रमजान का एहतराम करती हैं है। तो इस फुर्स से थोड़ा सा फ़ायदा उठाएँ और जाने कि वाकयान अपने अमूर की तरफ इंसान को मुतवज्जे होने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों ने यहाँ तक इंसान को पहुँचाया मुमकिन है कि ये एक दूसरे पर बात की जाए एक मुल्क पर दूसरे मुल्क पर और इस सारे अहतमाल पाए जाते हैं कि किसी मुल्क ने यह वायरस पैदा किया हो किस मुल्क से किस मुल्क में आया हो यहाँ पर बहरहाल हम उन पढ़ना नहीं चाहते चूँकि अगर उसमें पढ़ेंगे तो थोड़ा तफसली गुफू की ज़रूरत है और वो शायद यहाँ पर अभी मुनासब नहीं है माहिर रमदान के इस पहले दिन में लिहाजा वो एक अलग मसला है लेकिन असल बात यह है कि ये अमूर ये सब कुछ हुआ नतीजे में जो भी इंसान डायरेक्ट मुस्तकीमन ख़ुद इन्वॉल्व रहा हो जान कर ना जानते हुए बेतवजही में या किसी साजिश के तहत कि जिसके भी सबूत मिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए एक साश है मुख्तलिफ एनालिस मौजूद हैं कि ये सब कुछ जानबूझ कर किया जा रहा है या जो भी कर रहा है कुछ लोग कर रहे हों कोई मुल्क कर रहा हो लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया एक मुसीबत से दो चार है और ख़ास कर इसमें जो ग़रीब तबका है जो बेचारे रोज़मर्रा मजदूरी करने वाले और खाने वाले और अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं और उनकी फैमिली उनके लोग उनके अफराद मातहत ये सब एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला है तो ये मुसीबत का पहलू जो एक दर्दनाक पहलू है और इस पर इंशाल्लाह थोड़ा इशारा किया जाएगा कि इस पर क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए लेकिन अभी हम दूसरे पहलू की तरफ तोज्जो देना चाहते हैं कि जहाँ एक तरफ ये पहलू इतना दर्दनाक है वहीं पर दूसरा दूसरा पहलू ये है कि इस वायरस के ज़रिए से पूरी दुनिया मुतवज हो बहुत सारे और भी पहलू हैं कि बहुत सारी यानी एक तरफ जहाँ इतनी मुश्किल पेश आ रही हैं वहीं दूसरी तरफ पॉलूशन कम हो गया है लोग करीब आ गए हैं लोगों को अपनी फैमिली के पास रहने का एक मौका मिला है लोगों को सोचने का मौक़ा मिला है बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं बहुत सारी तब्दीलियाँ और आएँगी इकतसदी तौर पर बहुत सारी मुश्किल आ रही हैं और आएंगी अभी लेकिन उसके दूसरे पहलू भी और सामने आएंगे सियासी हालात भी मुमकिन है बहुत सारे तब्दील हों इन सब के भी इम्कान है और ये सब कुछ जो है एक छोटे से वायरस के ज़रिए से अजीब ये मसला है कि एक वायरस जिसको कहा जाता है कि 25-26 पच्चीस 25, छब्बीस नैनो मीटर यानी यह कि एक पॉइंट से भी तकरीबन 2000 गुना छोटा वायरस उसने आकर इस पूरी दुनिया को इस बहुत ज़्यादा तरक्की तरक्याफ्ता दुनिया को जिसको जिस, जिस इंसान को अपनी तरक्की पर अपने इल्म पर अपनी टेक्नोलॉजी पर अपने मेडिकल साइंस पर बहुत ज़्यादा फख्र था और उस फख्र की बुनियाद पर बहुत सारी हकीकतों का इनकार कर रहा था आज वो एक इतने से मामूली वायरस के ज़रिए से कि जो ये इस क़दर छोटा है इस कदर नामरी है आ, कि उसके सामने इस कदर मजबूर नज़र आ रहा है ये वाकन बहुत ही अजीब वाक़ा तारीख़ का पेश आया है लेकिन इसके दूसरे पहलू की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और वो है कि ऐसे वक्त में इस फुर्सत से इंसान फ़ायदा उठाए और शायद माह रमजान उस फ़ुर्सत के लिए और ज़्यादा मुनासिब है कि इस माह रमजान में जो इंसान का इंसान दूर हो गया था अब्द और माबूस में जो फ़ासला पैदा हो गया था उधर परवरदिगार की ज़ात जो ये कह रही कि मैं करीब हूँ मैं तुम्हारे रग गर्दन से करीब हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारे कल्ब और रूह के दरमियान में हायल हूँ वो इंसान अल्लाह से जो इस क़दर दूर हो गया था और ये माह रमजान जो अल्लाह की तरफ़ पलटने और करीब होने का महीना है यहाँ पर इंसान थोड़ा बेहतर तरीके से और पूरी बशरीत बेहतर तरीके से जैसा कि इशारा किया कि माह रमजान के रोज़ों का काफ़ी असर रहता है लोगों पर बहुत सारे लोग यानी मुसलमानों के अलावा भी रोज़ा भी रखते हैं मेरी बहुत ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो बाद लोग पूरा का पूरा रोज़ा रखते हैं बाद लोग चंद रोज़े रखते हैं लेकिन जो रोज़ा नहीं भी रखते वो भी बहरहाल एक एहतराम करते हैं माह रमजान का और माह रमजान में रोज़ा रखने का चूंकि जो अमल अंजाम दिया जाता है अब बाज़ जगहों पर तो थोड़ा अजीब हालात रहते हैं लोग खाने पीने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं लेकिन असल चीज़ बहरहाल माह रमजान जो है वो भूखे रहने के लिए भूख का एहसास करने के लिए प्यास का एहसास करने के लिए और शायद इस साल ये भूख और प्यास का एहसास करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान जाने की इस दौर में जो लोग वाक़ा मुश्किल में है वो आ, वो माह रमजान चूँकि मुमकिन है बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो उनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़र रही हो लेकिन वाक़ा बहुत सारे लोग ऐसे हैं ख़ासकर हमारा बोल जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं एक बड़ी तादाद है कि जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी वाक़ा मुश्किल में पड़ गई है नॉर्मल ज़िंदगी के लिहाज से खाने पीने के लिहाज से रोज़मर्रा की वाजिब और ज़रूरी और लाजिम चीज़ें भी उनको फ़राम नहीं हैं तो यूँ भी माह रमज़ान के फ़लसफ़े में से या उसके फ़ायदे में से एक ये बयान किया जाता था रवायतें इसके लिए मौजूद हैं कि इंसान फकीरों की और ग़रीबों की भूख और भूख का एहसास करे उनकी उनके पास जो महरूमियत है उस महरूमियत के एहसास करे और इस साल के माह रमज़ान में इंसान बहुत सारी चीज़ों से महरूम होकर उस महरूमियत के एहसास करना उसके लिए ज़्यादा आसान हो गया है लेकिन बहरहाल ये ये पहलू एक, एक ये ख़ुद एक पहलू है कि उसके जो हालात पैदा हुए हैं उन हालात में इंसान किस तरह मुसबत निगाह से मसाइल को देख सकता है और मतव हो सकता है बहुत सारे अमूर की तरफ तो अमीरम्न अली नबी ताल सलाम का एक जुमला है कि फ़ुर्सतें जो वो बादल के तरीक़े से आती हैं और चली जाती हैं अब जाहिर है कि अगर एक ऐसी हालत हो कि जहाँ इतनी सख्ती में इंसान की ज़िंदगी हो और पूरी पूरी इंसानियत इस तरह मुश्किल में हो तो उसको फुर्सत तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन उसके दूसरे पहलू पर अगर तवज्जो की जाए तो एक एक न, एक फ़ुर्सत का पहलू है कि जब इंसान थोड़ा सोच सकता है थोड़ा फ़िक्र कर सकता है थोड़ा आ, अपने आप की तरफ पलट सकता है यानी अपने आप की तरफ़ पलटे तो शायद उसको अपने परवरदगार तरफ पलटना आसान हो जाए यहाँ तो पर मुझे बहरहाल ऐसे हालात में दिल चाहता है वो रवायत याद आ रही है इमाम मूस का कादिम की सातवें इमाम की रवायत है और इस पर थोड़ा तोज्जो करने की ज़रूरत है कि इमाम फरमाते हैं कि जब नए अमाल अनजाम दिया नए गुनाह अनजाम दिए जाते हैं यानी ऐसे अमाल की जो पहले नहीं थे ऐसे गुनाह जो पहले नहीं थे जब वो अंजाम दिए जाते हैं तो अल्लाह जो है उसके बदले में ऐसी बीमारियां ले आता है कि जो पहले नहीं थी अब ये ये हदीस बहुत ही ज़्यादा मतवज करने वाली है कि नहीं मालूम कौन से अमाल अंजाम दिए गए और क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े अजाब में आकर मुबला होना पड़ा इंसान को अब अब उसके बारे में इंसान मुख्तलित पहलू सोच सकता है कि वो ऐसे अमाल हमारे क्या हो सकते हैं ये कि जो सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारी फसाद बहुत सारे फसाद फैल रहे हैं जवानों में लोगों में उसकी वजह से ये हो सकता है या और भी जो सियासी तौर पर इतना जुल्म फैला हुआ है पूरी दुनिया में और अलल एलान अल एलान किया जा रहा है और जुल्म पर फ़ख्र किया जा रहा है जुल्म का सपोर्ट किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर यह अजाब आया हुआ है या इतने सालों में पूरी दुनिया देखती रही कि सीरिया में क्या हुआ इराक़ में क्या हुआ यमन में क्या हो रहा है चंद सालों से छोटे बच्चे औरतें मजलूम लोग वो वो खौफ वो दहशत लोग अमन से बैठे अपने घरों में रहे और एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं हुए अमेरिका और इसराइल ने क्या बरबरीत फैलाई सीरिया की सरजमीन में दाइश के साथ मिलकर इन दहशतगर्दों ने वहाँ के बच्चों वहाँ पे औरतों पर क्या ढाए कितने बच्चे समंदरों में गर्क हो गए कितने लाखों की तादाद में ये सारे वो बड़े बड़ी बड़े गुनाह हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर नए अजाब अल्लाह की तरफ़ से आते हैं ये एक तय मामला है और इसकी तरफ रवायत भी रवायत रवायत एक नहीं बल्कि और भी रवायतें इशारा करती हैं और वाज तौर पर कुरान की आयत भी इसी तरह इशारा करती है लेकिन इंसान को उस पर सोचने की जरूरत है क्या हो सकता है कैसे इंसानों को कत्ल किया गया कैसे पाकिजा इंसानों को कत्ल किया गया कैसे अवाम को मारा गया अलल ऐलान खुलेआम ऐलान करके और बगैर किसी शर्मिंदगी के कि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था मसला तो अमेरिका ने बहुत सारी दहशतगर्दी की थी लेकिन इस तरीके से अल ऐलान एक पाकिज़ा इंसान जिसने आकर अपनी जान लगा दी पूरे अपनी अपनी ज़िंदगी के चालीस साल तकरीबन लगाया और ख़ास कर अभी आखिर के पाँच छः सालों में जनाब कासिम सलेमानी जैसे अज़ीम शहीद को एक नफ्स झकिया को इस तरह क़त्ल किया गया और कत्ल करके बायदा कहा भी गया तो इस तरह के बहुत सारे दीगर जराइम हैं जो अभी इस दुनिया में राइज हैं और उन गुनाहों की बुनियाद पर मामे काज इसम की हदीस ये बार बार याद आती है कि जब नए गुनाह होते हैं तो नए अजाब और नई बीमारियाँ आती हैं अजाब के लाजन नई बीमारियाँ और नई नए उसके असरात आते हैं चूँकि हर अमल का बहरहाल एक असर होता है ये क़ानून है अकली कानून है कि जिस तरह का अमल अंजाम पाता है उसका बहरहाल असर होता है और इसमें एक रबत है इंसान के अमल में इंसान के गुनाह में इंसान के जिंदगी में और उसका आने वाले नतीजों में तो ये पहलू इंसान को सोचने के लिए अहम है इस मतलब की तरफ ख़ुद कुरान की आयत भी इशारा करती है अलबा तो उस पर ज़्यादा सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है लेकिन शायद अभी उसकी फ़ुर्सत नहीं हो कुरान कहता है कि ज़हर फसाद व फिल बर्रबल बहर बे माँ कैसब आदिन नास बर्र बहर यानी खुश्की और समंदरों में हाँ यानी पूरी दुनिया में पूरे नेचर में फसाद और खराबियाँ और मुश्किल ये जाहिर हुईं क्यों बे माँ कसब आए दिन नास क्योंकि ये सब इंसानों के अपने कारस्थानियों का नतीजा है इंसान ने जो कुछ किया है मुमकिन है कि ये करने वाले सब लोग ना हों लेकिन आ, जो कुछ हो रहा है उस पर राजी होना उस पर खामोश रहना जो कुछ जो कुछ देखने में आया कि जो खामोशियाँ जाहिर की गई इतने सालों तक और यह हम अपने ख़ुद मुल्क में देखते हैं कि जिस तरह के अमूर अंजाम पाए जितने जुल्म हुए उस पर जो है जो खामोशियाँ जाहिर की गईं ये सारी चीज़ें सबब बन सकती हैं कि जिसके नतीजे में इंसान इतनी बड़ी मुश्किल से ऐसी आलमी मुश्किल तो दो चार हुआ है तो ये एक अलग पहलू है इस पर गौर करने की ज़रूरत है लेकिन इसी में एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ऐसे हालात बन गए हैं तो इसको दो पहलू से देखा जा सकता है एक पहलू वही अज़ाब का पहलू है और दूसरा पहलू है इसको आजमाइश और इम्तहान इम्तहान में भी दो तरह के लोग होते हैं एक लोग वो होते हैं जो इम्तहान में कामयाब हो जाते हैं और एक लोग वो होते हैं जो इम्तहान में नाकाम होते हैं इम्तहान में कामयाब लोग वो होते हैं कि जब उनके ऊपर सख्ती आती है इम्तहान और आजमाइश उनकी आजमायश का वक्त आता है तो फ़ौर मुतव होकर अपनी ज़िंदगी के रुख को बदल लेते हैं अपनी सोच को बदल लेते हैं अपने अंदाज़ को बदल लेते हैं और इसमें इम्तहान में नाकाम लोग वो होते हैं जो उसी सबका हालत में और आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये दोनों पहलू यहाँ पर नज़र आ रहा है मुख्तलिफ जहज से इस पहलू को देखा जा सकता है तो खूब अच्छा ये मौका है कि माह रमजान में इंसान इस अजाब को अपने लिए एक आजमाइश समझे बहरहाल जो होना है वो इस दुनिया में हो रहा है उससे पूरी हद तक बचने की कोशिश करना चाहिए उसको एक इशारा करने की ज़रूरत है लेकिन इसको एक आजमाइश समझते हुए उससे अपने आप को कामयाबी के साथ निकलने और इसमें जो कुछ बेहतर से बेहतर अमाल अंजाम दे सकता है सबसे पहला मरला वही कि अपने अब्दमाबूद के दरमियान में रबते को मजबूत करना वानी वाकन रबता मजबूत करना देखिए माह रमज़ान में आकर बहुत सारे अमाल अंजाम देते हैं कभी इबादत करते हैं कुरान पढ़ते हैं दुआएं ज़्यादा करते हैं ज़्यादा तोफ़ी भी हो जाती है लेकिन असल मसला यह है कि वाकई ये सारी चीज़ें इंसान के और रोदगार के दरमियान में राबे के सबब बन रही हैं नहीं बन रही हैं इंसान से अल्लाह का रबत ऐसे ही है कि अगर वो रत नहीं हो तो असल इंसान है नहीं उसका वजूद ही नहीं है असल ज़िंदगी नहीं है जिस तरह जिसम जो है वह बग़ैर सांस के नहीं ज़िंदा रहता उसी तरीके से इंसान की रूह बगैर अल्लाह के रबित के वो जिंदा नहीं है ये किसी हमारे बुजुर्ग का जुमला है और बहुत ही खूबसूरत जुमला है शायद उससे ज़्यादा इस पर अभी नहीं ज़्यादा फुरस्त है कि इस पर गुफगू की जाए लेकिन गौर करें जो ममिन सुन रहे हैं कि जिस तरह सांस के बगैर और ऑक्सीजन के बगैर इंसान चंद मिनट उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल है उस तरीके से रूह अगर अल्लाह से राबे में नहीं हो और इसकी आदत कर चुका हो इंसान तो दर वो चलता फिरता एक मरा हुआ इंसान है मुर्दा है जनाजा है मैत है जाहिर में चल रहा है लेकिन वाक़ई महरूम है तो इस इसको ज़्यादा ख़ास तरीके से समझा जाए और इसमें आकर इस आजमाइश में अपने आप को कामयाब करना कामयाब करने के बहुत सारे पहलू हैं एक ये कि वाक़ई इंसान सच्चाई के साथ मसाइल को देखे बहुत सारे झूठ बहुत सारे फरेब बहुत सारे अजीब व गरीब चीज़ें हैं मस यही एक एक की तरफ़ इशारा करते हैं जो नमूना हो नमूना हो दीगर आमाल के लिए कि मसलन मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना ये ख़ुद एक अच्छा मौका होता है बहाना होता है इंसान को फ़ुरसतें ऐसी मिलती हैं कि इंसान दूसरों के लिए कुछ कर सकता है और हमारे यहाँ रवायात इस बात पे बहुत ज़्यादा रोशनी डालती हैं मुतद रवायतें हैं कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरों के लिए भला कर सके दूसरों के खैर का सबब बन सके अल्लाह के बंदों के लिए जिसके दिल में अल्लाह के बंदों की मोहब्बत हो जिसको जो अल्लाह के बंदों के लिए कुछ करे और वो भी अल्लाह के लिए करे कि माह रमजान खुदा का महीना है इसमें हमें दो पहलू जैसे इसी, इसी एक मसले में दो पहलू बाकायदा वाज तौर पर नज़र आते हैं इसलिए इसकी तरफ इशारा कर दें अच्छा है ताकि ए, 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 इसकी तरफ लोग मुतवजह हों म यही इसी फ़ुरस्त में जब वाकन मुश्किल पेश आई और बहुत सारे लोग खासकर हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़े तो आए लोग मदद करने के लिए आए लेकिन इसी से कुछ लोगों ने भाई अपने नफ्स की जो ख्वाहिशात थी उसको पूरा करने में खुदा करे कि ऐसा ना हो अलबत्त इंसान के अमाल उसकी नीयतों पर होते हैं लेकिन एक तरफ इंसान जो है बड़ी बड़ी रकम खर्च कर रहा है मीडिया में आ रहा है हज़ारों करोड़ फला इतना देना उतना देना लेकिन ज़्यादा यह कि किस तरह वो मीडिया पर आए किस तरह लोग जाने किस तरह लोग पहचाने और ये काम और छोटे पैमाने भी लोग कर रहे हैं बहरहाल यहाँ किसी के नीयत पर हमें शक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये सिर्फ मुतव करने के लिए ख़ुद को कि अगर खुदा खास्ता ऐसा है ख़ास कर वो जो इन मसाइल से आगाह हैं जिनके लिए इनकी आगाही नहीं है तो उनके लिए मसला नहीं है वो तो चाहते हैं कि लोग जाने और लोग सिर्फ जानने के लिए और दिखाने के लिए काम किया जाते हैं लेकिन जो लोग जानते हैं कि नहीं मसाइल जो है अगर किसी अमल को अंजाम दिया जाए सिर्फ इस पहलू से तो वो अमल ज़ाय हो जाता है तबाह हो जाता है बर्बाद हो जाता है जैसा आप देखते हैं रोज़ाना मीडिया पे नज़र आ रहा होता है कि इंसान कोई अमल अंजाम दे रहा है शायद खुद कर भी ना रहा हो जरिया बनाया हो एक जरिया बनने की तौफीक बनी हो दूसरे लोगों के ज़रिए से वो आकर तस्वीरों के जरिए से फिल्म के जरिए से वीडियो के जरिए से उसको वायरल करा के लेकिन एक पहलू ये है लेकिन इसी के दरियान में एक बहुत बड़ी तादाद है आप भी जानते होंगे हम भी जानते हैं एक बहुत बड़ी तादाद है कि माशाल्लाह फुरुत हुई है लोगों को बगैर किसी तस्वीर बग़ैर किसी दिखावे बगैर किसी चहल पहल के बगैर किसी अलान के आकर बड़े पैमाने पर खदमात अंजाम दे रहे हैं और कोई भी नहीं जानता और ये बहुत ही हसीन है ये बहुत ही खूबसूरत है बादलों को कहना है कि वाकई ने इंसानी पहलू देखने को मिला इस इन दिनों में कि जब ये इस वायरस के जरिए से ये मुश्किल पैदा हुई वो इंसानी हमदर्दी के पहलू देखने को मिला और बहुत सारे लोग बहुत ही मुखलसाना तौर पर अपना नाम भी बताना गवारा नहीं करते ऐसे लिस्टें देखी कि जहाँ पर अपना नाम भी लोगों ने बताया नहीं बहुत वंद खुदा उस पर लिखने को ताकद की या ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे इदारे कि जो बड़े पैमाने पर पहुँच रहे हैं अपनी जान को सख्ती में डालकर अपने आप को मुश्किलों में डालकर इन कुछ लोग हैं जो वाकई वाकिल तशक् हैं उनकी कदरानी की जाए एक तो डॉक्टर्स हैं नर्सेज़ हैं और जो वाक कुछ थोड़ा दर्दमंद पुलिस लोग हैं पुलिस का दो पहलू यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाज नज़र आया है और बहुत ही अजीब है शायद दूसरे मुल्कों में ये पहलू लोगों को देखने को नहीं मिलता हो लेकिन यहाँ पर नज़र आया एक तरफ तो बेरहमी और इंसानों के साथ नामनासिब सलूक लेकिन दूसरे दूसरा सलूक भी अच्छा तो ये लोग काबिल शुक्र शुक्रिया हैं काबिल कदरदानी हैं लेकिन उसी के साथ साथ एक गिरह वो है जो बहुत ही खामोशी से ख़ुद अपने पास जो कुछ मौजूद है वो या दूसरों से लेकर ग़रीबों तक पहुँचाना कि बहरहाल ये सब अमल अंजाम देने में जान खतरे में पड़ती है वायरस के मुंतकिल होने का ख़तरा होता है लेकिन वो ख़तरात को मोल लेते हुए वो अपने आप को सख्त तरीके से मुश्किलात में डालकर और एक लंबी मुद्दत तक जबकि अगर सिर्फ अपने लिए ख़तरे की बात नहीं बल्कि फैमिली के लिए ख़तरा है घर में उनके बच्चे हैं लेकिन फिर भी पूरे खलूस के साथ जो है वो इंसानी हमदर्दी और इंसानी खदमत का अमल अंजाम दे रहे हैं तो ये दोनों पहलू यहाँ भी नज़र आ रहे हैं ये पहलू इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि जो जिन शैतान बहरहाल वो पैदा करता है इंसान कुछ करता है फौरन उसके दिल में ये शौक़ पैदा करता है शैतान आकर वससा पैदा करता है कि अरे तुमने ये काम किया लोगों ने जाना नहीं लोगों ने पहचाना नहीं लोगों ने देखा नहीं फिर चंद फोटो खिंचा लें फिर फोटो को उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए फिर उसको देख इंसान को खुशी महसूस हो अल्लाह जो है महफूज़ रखे इस तरह के अपने हमारे अपने नफसों के शर से हमको महफूज रखे लेकिन दूसरी तरफ वो पहलू भी जहाँ पर इंसानी खिदमत बड़े पैमाने पर पे अंजाम दी जा रही हैं एक मतलब का जिक्र करना और भी यहाँ पर ज़रूरी था कि इन्हीं सख्त हालात में माह रमज़ान आ रहा है माह रमजान आ गया और माह रमज़ान में फ़ुर्सतें हैं इंसान को बहुत सारे अमाल की और उसमें रोज़े की फुर्सत है कि ये ये पहलू इशारा करने से पहले एक नुकता तो इशारा करें हम कि बहरहाल माह रमज़ान इंसानियत का महीना इंसानियत की तरफ मतवज होने का महीना और ये मखसूस नहीं है मुसलमानों से ये सब के लिए है नहीं मालूम ये नुक़ँ कभी अर्ज़ नहीं किया गया कि आम तौर से माह रमजान को मुसलमानों का एक महीना करार दिया गया ज़ाहिर रोज़ा चूँकि माह रमज़ान को इस रोज़े के अतबार से देखा जाएगा तो रोज़ा तो फ़क्त मुसलमान रखते हैं हैं बाद लोग जैसा शुरू में इशारा किया कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो गैर मुसलमान भी रोज़ा भी रखते हैं और उसकी कद्र भी करते हैं लेकिन आम तौर से ज़्यादातर रोज़ा रखने वाले जो है वो मुसलमान होते हैं लेकिन माह रमज़ान शायद कभी इस पर कभी तफसीली तफसीली गुफ्तू की जा चुकी माह रमज़ान फ़कत रोज़ा रहने का महीना नहीं है बल्कि कुरान में जो माह रमज़ान की तारीफ़ की गई शुरू में जो आय भी आपके सामने पढ़ी इन श इसके एक पहलू पर हमें थोड़ा ज़्यादा गुफतु करना जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी हम आज इसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ों के दरमियान में कैसे फ़र्क किया जाए ख़ासकर आज के दौर में कि जहाँ पर फ़र्क कर पाना हक व बातिल में सच्चाई और झूठ में अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है माह रमज़ान की एक खासियत यह है कि इसमें असल माह रमज़ान की तारीफ़ ही क़ुरान ने यह कही कि, कि माह रमजान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ और कुरान में भी ये मुश्किल आम तौर से पेश आ गई है कि कुरान में कुरान को मुसलमान लोग अपनी किताब समझने लगे और इन दो तरफ से इसमें मुश्किल पेश आई एक तरफ यह कि मुसलमान लोग कुरान को अपनी किताब समझने लगे दूसरी तरफ से दूसरा नुकसान ये हुआ कि दूसरे गैर मुसलमान लोग वो कुरान को मुसलमानों की किताब समझने लगे लिहाजा उसके नतीजे में इधर मुसलमान लोग अपनी किताब समझ के सिर्फ सवाब में और दिगर उमूर में मशगूल हो गए कुरान का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाए दूसरे लोग जो गैर मुसलमान हैं वो इसको कुरान को मुसलमानों किताब समझ के उसकी तरफ तोज्जो नहीं की जबकि यह आयत जो, जो आपके सामने पड़ी उस आयत में वाज तौर पर और भी दूसरी जगहों पर जगह जगह इशारा मौजूद है लेकिन जो कुरान के नाजिल होने की आयत है और इसी माह में माह मुबारक में कुरान नाजिल हुआ उसमें वाज तौर पर इस इशारा नहीं बल्कि साफ साफ कहा जा रहा है कि शाहर और फ़ील कुरान हदन माह रमजान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया किसके लिए हदन लनास लोगों के फ़ायदे के लिए लोगों तक खैर पहुँचाने के लिए लोगों तक हिदायत पहुँचाने के लिए लोगों को तरक्की और कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए लोग की बात कीजिए लोग नास नास जो अरबी लफ्ज़ है नास जो लोग जानते हैं वो वाकिफ़ हैं लेकिन जो नहीं जानते नास ई तमाम बशरीत नाश एनी तमाम इंसान दादाजा एक बहुत ही बुरा अमल अंजाम दिया गया दोनों की तरफ से और बहुत ही नुकसानदेह जिससे बशरीत को नुकसान पहुँचा मुसलमानों ने भी ये गलती की कि क़ुरान को अपनी किताब समझा और गैर मुसलमानों ने भी ये गलती की कि कुरान को मुसलमानों की किताब समझ लिया और मुसलमान कुरान को अपनी किताब समझ कर भी महरूम रहे चूँकि असल उसके पैगाम ही से वाकई नहीं हो पाए जब कुरान के अंदर यह सब के लिए है कुरान में ऐसी आयतें मौजूद जहाँ पे खिताब और यास या यूहल या इंसान अ इंसानों अ लोगों सब को जब मुखातब किया जा रहा है तो जाहिर है कि ये किसी ख़ास तबके की किताब नहीं ये अलग क़ानून है कि जो उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा उसको इनाम के तौर पर ज़्यादा मिलेगा वह हदन ललमतीन भी कभी कहा जा रहा है चूँकि उससे फ़ायदा उठाया है लेकिन असल में ये किताब तमाम बशरीत के लिए नाजिल की गई लदा ये पहलू बहुत ही अहम है कि यहाँ पर माह रमजान में जो लोग सिर्फ रोज़ा रखते हैं तो माह रमजान को सिर्फ रोज़े का महीना समझते हैं उनको शायद ये कहा जाए कि भाई रोज़ा तो मुसलमान लोग रखते हैं या अगर किसी को कुछ थोड़े बहुत लोग जो है अलग से कुछ दो चार रोज़े या पूरे महीने के रोज़ा रखते हैं शौक़ में या उसका फ़ायदा देखते हुए या उसका जो जिसमानी फ़ायदा है लेकिन इस रोज़ा रखने में लेकिन वो लोग जो वो लोग जो जानते हैं कि नहीं वही माह रमज़ान जो है फ़त रोज़ा रहने का महीना नहीं है इसके दूसरे पहलू ज़्यादा अहम है और अभी यहाँ पर इस पर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं देते पहले गुफ्तु हो चुकी है कि माह रमज़ान असल में कुरान के नाजिल होने का महीना है और कुरान का नाजिल होना यानी कुरान की उन हिदायतों तक पहुँचना कि जो कुरान में मौजूद हैं और वो हिदायतें फ़कत मुसलमानों तक महदूद नहीं हैं फ़त ख़ास लोगों तक महदूद नहीं हैं ये इंसान की अपनी सलाहियत के ऊपर है कि मुमकिन है कि इंसान कुरान पूरा पूरा कुरान पढ़े दसीियों बार पढ़े लेकिन फिर भी उससे हिदायत नहीं ले पाए फिर भी उससे फ़ायदा नहीं ले पाए कुरान ख़ुद ही कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन वमा यजीदी ालम्ला खसारा उनको कुछ भी नहीं फ़ायदा होता सिवाए नुकसान के उनको नुकसान होता है चूँकि उसकी हकीकत तक नहीं पहुँच पाते उसके फ़ायदों तक नहीं पहुँच पाते लगा इस पहलू पर यहाँ पर तोज् देने की ज़रूरत है कि आकाश की ऐसी कुछ फ़ुर्सतें नसीब होती लोग समझते कि ये अजीम किताब जो कुरान की शक्ल में मौजूद है ये फ़कत किसी ख़ास गिरोह के लिए नाजिल नहीं हुई है इस महीने की ख़ास बरकत यह है कि माहे इस महीने में कुरान नाजिल हुआ तो ये कुरान किस तरह लोगों तक पहुँचे ताकि वो मुसीबतें जिससे बशरीत आज दो चार है उन मुसीबतों से अपने आप को बचाएँ वो अमाल जो बशरीत ने अनजाम दिए हैं जो इंसानों ने अनजाम दिए हैं या जिस पर लोग खामोश रहे हैं अनजाम कुछ लोगों ने दिया है कुछ सियासी लोगों ने दिया है कुछ मनफात पसंद लोगों ने दिया है कुछ इकतदार तलब लोगों ने दिया है कुछ हुकूमत चाहने वाले लोगों ने अंजाम दिया है लेकिन लोग खामोश रहे हैं उस खामोशी के नतीजे में जो बलाएँ आई हैं जो मुसीबतें आई हैं उन मुसीबतों से बचने का अच्छा तरीका है कि आकर इस महीने में क़ुरान के पैगाम को फ़कत मुसलमानों तक महदूद न करार दिया जाए बल्कि उसको हदन लिन्नास होने दिया जाए तमाम इंसानों के लिए उसको होने के होने का मौका मिल सके इन शाह आखिरी पहलू जिसकी तरफ हम इशारा करना चाहते हैं वो ये है कि हती इस महीने में जो लोग सिर्फ रोज़ा रखते हैं वो किसी तरह ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा रास्ता मिल जाए वायरस के कोरोना वायरस के नाम पर -19, कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन वायरस के नाम पर कि किसी तरह रोज़ा रखने से फुर्सत मिल जाए और ये तरह तरह के बहाने हत्या फ़तवे भी ढूंढ के लाए जबकि वाजह तौर पर फतवों में कहा गया है कि नहीं ये सारी चीज़ें सबब नहीं बनती इंसान के रोज़ एक कानून है जो हमेशा का कानून है वो ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए यकीनी हो रहा हो या अकलानी तौर पर अक्ल अकल के तौर पर साबित हो चुका हो कि वाकई इंसान के लिए नुकसानदेह है तो उससे उसकी वजह से इंसान अपने रोज़े को आ, उस दिन के लिए जिस दिन उसको ख़तरा महसूस हो रहा है उस दिन छोड़ सकता है लेकिन बाद में उसकी क़़ा करनी पड़ेगी लेकिन अगर बग़ैर वजह के किसी रोज़े को छोड़ता है और कोई अकलानी वजह भी नहीं है और कुछ चीज़ साबित भी नहीं है तो उसका बाकायदा इंसान को गुफारा देना पड़ेगा अगर यूँ ही रोज़े को छोड़ता है तो बाद लोग उसको किसी तरह रोज़े से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं जो लोग घरों में बैठे हुए हैं कुछ उनको करना भी नहीं है बाहर भी नहीं निकलना है कोई ख़तरा भी नहीं है और वो फिर भी जो है बहा बहाना करके प्यास प्यासे रहेंगे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा जबकि ये सब साबित है डॉक्टरों के बिल्कुल वाज तौर पर है कि नहीं इससे जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होता बल्कि इत्तफाक़ से रसोल्ला सल्लाम की हदीत सोम तस्से हो रोज़ा रखो ताकि तुम्हारी सेहत तुम तुम सालम रहो रोज़ा इंसान को मजबूत करता है रोज़ा इंसान की केवत इरादी को मजबूत करता है रोज़ा इंसान के अज़म को मजबूत करता है और अज़्म का मजबूत होना इरादे को मजबूत होना यह इंसान के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है अब ठीक है खाने पीने का थोड़ा बहुत असर है तो इंसान आमतौर से यूँ भी शाम में खाना खाता है फिर सुबह में जाकर कितनी देर तक खाता है बारह कभी आठ घंटा कभी नौ घंटा कभी दस घंटा बाद लोग ज़्यादा देर तक सोते हैं तो बारह बारह घंटे का फासला हो जाता है तो वो फासला जो रात में करते हैं वो दिन में हो जाए तो उससे कोई इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होता हाँ रात में थोड़ा विटामिन सी की चीज़ें ले सकते हैं मुनासिब मुनासिबाएँ खा सकते हैं ज़्यादा खाना अहम नहीं है लेकिन ये कि जो मुनासिब चीज़ें इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है ताकि यूँ भी कहा गया इसीलिए शहरी कोई खाना कोई इतना इस्लाम में अहमियत नहीं रखता लेकिन ये कि शहरी चंद खजूर या थोड़ा पानी पीना इसलिए कहा गया ताकि इंसान अच्छे तरीके से मजबूती से रोज़े को अंजाम दे सके तो ये एक गलत प्रंडे के तौर पर डाला जा रहा है नहीं मालूम बाद लोग जान के करना चाह रहे हैं या इन लोगों को रोज़े से दूर रखना चाह रहे हैं या खुद रोज़े से दूर रखना चाह रहे हैं ऐसा कोई फतवा भी मौजूद नहीं है और डॉक्टरों की भी ऐसी कोई राय मौजूद नहीं बल्कि बल्कि इसके बरखिलाफ़ है हदीसें भी इसकी मौजूद है और फरमाते है कि रोज़ा रहे इंसान उसके लिए सेहत तो व सलामती है रोज़ा रहने से वाकई इंसान का इरादा मज़बूत होता है इंसान की क़ोत मज़बूत होती है उसके नज़र उसके ज़रिए से इंसान का इम्यून सिस्टम भी मज़बूत होता है दिफाही निज़ाम भी मजबूत होता है दफाई निज़ाम इंसान का सिर्फ़ बुराइयों को दूर करने के लिए नहीं हती जिसमानी एतबार से भी इंसान जो है वो मजबूत होता है बुराइयों को दूर करना ये रोज़े के फलसफ़े में आता है तकबा पैदा करना ये रोज़े के फलसफ़े में आता है लेकिन जिसम को महफूज रखना जिसम को मज़बूत करना ये रोज़े के फ़ायदों में से आता है जिसकी उफतू कभी हो चुकी है लिहाजा इन इन मसाइल में इंसान नहीं पड़े बल्कि जिनके पास सलाहियत है अब जो बीमारियाँ हैं उनका मसला अलग है जो बहुत ज़्यादा शदीद शुगर के मरीज़ हैं या दिल के कोई बड़ शदीद मरीज़ हैं उसके लिए हमेशा ये फतवा रहा है अगर किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है बहुत मुश्किल और वाक़ा उसके लिए रोज़ा रखना सख्त है तो उसका फिदिया दे या बाद में उसकी क़़ा करे जब मदत छोटी हो रोज़े की ठंडा का मौसम हो लेकिन आम इंसानों के लिए ख़ास जो घरों में बैठे हुए उनके लिए ये बहाना मुनासिब नहीं है परदगार की बारगाह में दुआ है कि वो हमें इस महीने में बेहतर से बेहतर अमाल अंजाम देने ना सिर्फ़ रोज़ा अवली ये कि रोज़ा जो है अच्छे तरीके से रखने रोज़े को फ़कत भूखा रहने के अतबार से नहीं बल्कि अपने आप को हर तरह की बुराइयों और गुनाहों से महफूज रखने और इसके अलावा दीगर अच्छे अमाल अंजाम देने की और दुआओं की अपने परवरदगार के साथ रबत और उस रबते को मजबूत करने की वाकई रबते कमज़ोर हैं